हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल अबाउट जॉब्स में। फ्रेंड्स, आज का जो वैकेंसी वो हाइड्रो पावर प्लांट की तरफ से निकल कर आ रही है, जिसमें डिप्लोमा और बीटेक वाले अप्लाई कर सकते हैं। सो ये फ्रेशर्स इसके लिए कम्प्लीटली एलिजिबल है, परमानेंट गवर्नमेंट जॉब है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 388 है, जिसमें आप लोग को पैकेज 10 लाख पर इनाम मिल जाएगी। इसमें ऑल ओवर इंडिया किसी भी स्टेट से आप लोग बिलोंग करते हो तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सिलेक्शन प्रोसीड्योर एंड एप्लीकेशन प्रोसीड्योर सब कुछ मैं वीडियो में आगे जाकर डिस्कस करूंगा, तो वीडियो को स्किप मत करना, लास्ट तक देखिएगा। तो नेक्स्ट चलते हैं ऑफिशियल इंट्यूशन की तरफ। तो फ्रेंड्स, ये है इसका ऑफिशियल इंट्यूशन जो आप लोग देख पा रहे हो कि NHPC लिमिटेड की तरफ से निकल कर आ रही है, जो एक मुनिरत्ना PSU है और ये मिनिस्ट्री ऑफ पावर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आती है। तो फ्रेंड्स, नोटिफिकेशन स्टार्ट करने से पहले अगर फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो, ताकि आप लोग को आने वाले सारी अपडेट मिल सके। और वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ थोड़ा सा शेयर भी कर दिया करो यार, ताकि हमें मोटिवेशन मिले ऐसे अच्छे अच्छे नोटिफिकेशन आप लोगों के लिए लेके आने के लिए। और टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन होकर के रखिए जॉब के रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। तो स्टार्ट कर दे डिटेल्स नोटिफिकेशन की। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक परमानेंट जॉब है, कोई भी कॉन्ट्रैक्चुअल या तो टेम्पोररी जॉब नहीं है। डिटेल्स पोस्ट की बात करें तो फ्रेंड्स, यहीं पे जूनियर इंजीनियर और सुपरवाइजर पोस्ट के लिए वैकेंसी आई है, जिसमें फर्स्ट है जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए, जिसमें आप लोगों का पे स्केल S1 ग्रेड के हिसाब से यानी कि 29,600 से लेके 119,500 रहेगी। और उसके साथ साथ आप लोगों को अलाउंसेस वगैरह भी प्रोवाइड किया जाएगा, और अलाउंसेस ऐड करने के बाद आप लोगों को टोटल CTC 10 लाख पर इनाम मिल जाएगी। इसमें अप्लाई करने के लिए अगर आप लोग सिविल इंजीनियरिंग डिसिप्लिन में से 3 साल का डिप्लोमा या तो 3 साल का डिप्लोमा करने के बाद 4 साल का BVTEC की हो तो उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। और उसके साथ इसमें अप्लाई करने के लिए अगर आप लोग जनरल OBC और EWS कैंडिडेट्स हो तो उस केस में आपके डिप्लोमा में मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए। और SC ST एंड PWD कैंडिडेट्स के लिए आपके डिप्लोमा में मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए। विदाउट डिप्लोमा आप लोग इसके लिए एलिजिबल नहीं हो, इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हो। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 149 है। इसमें अप्लाई करने के लिए जनरल और EWS कैंडिडेट्स के लिए मैक्सिमम एज लिमिट 30 ईयर्स का रखा गया है। नेक्स्ट पोस्ट की बात करें तो फ्रेंड्स, यहीं पे नेक्स्ट पोस्ट है जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए, जिसमें आप लोग को पैकेज 10 लाख पर इनाम मिल जाएगी। इसमें अप्लाई करने के लिए अगर आप लोग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में से 3 साल का डिप्लोमा या तो 3 साल का डिप्लोमा करने के बाद 4 साल का BVTEC की हो तो उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 74 है। मैक्सिमम एज लिमिट 30 ईयर्स रखा गया है। अगर आप लोग जनरल OBC और EWS कैंडिडेट्स हो तो उस केस में आपके डिप्लोमा पे 60% मार्क्स, और अगर आप लोग SC ST एंड PWD कैंडिडेट्स हो तो उस केस में आपके डिप्लोमा में मिनिमम 50% मार्क्स होनी चाहिए। नेक्स्ट है JE मैकेनिकल के लिए, जिसमें अप्लाई करने के लिए अगर आप लोग मैकेनिकल डिसिप्लिन में से 3 साल का डिप्लोमा या तो 3 साल का डिप्लोमा करने के बाद 4 साल का BVTEC की हो तो उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 63 है। एज लिमिट और बाकी जो भी कंडीशन है वो सेम रखा गया है। नेक्स्ट है जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के लिए, जिसमें अप्लाई करने के लिए अगर आप लोग इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन डिसिप्लिन में से 3 साल का डिप्लोमा या तो 3 साल का डिप्लोमा करने के बाद 4 साल का BVTEC की हो तो उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी यहीं पे 10 है। नेक्स्ट है सुपरवाइजर IT के लिए, जिसमें अप्लाई करने के लिए अगर आप लोग कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में से 3 साल का डिप्लोमा की हो तो उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। उसके अलावा अगर आप लोग BSc या तो BCA की हो तो भी इसके लिए एलिजिबल हो, इसमें अप्लाई कर सकते हो। बट इसमें अप्लाई करने के लिए मिनिमम 1 ईयर का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 9 है और मैक्सिमम एज लिमिट जनरल और EWS कैंडिडेट्स के लिए 30 ईयर्स तक रखा गया है। नेक्स्ट है सुपरवाइजर सर्वे के लिए, जिसमें अप्लाई करने के लिए अगर आप लोग सर्वेइंग और सर्वे इंजीनियरिंग में से 3 साल का डिप्लोमा या तो 3 साल का डिप्लोमा करने के बाद 4 साल का BVTEC की हो तो उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी यहीं पे 19 है और मैक्सिमम एज लिमिट 30 ईयर्स तक रखा गया है। उसके अलावा और भी बहुत सारे पोस्ट यहीं पे मेंशन है, तो आप लोग आपके हिसाब से चेक कर लेना। हर एक पोस्ट में अप्लाई करने के लिए अगर आप लोग आपके डिप्लोमा में फाइनल ईयर पे हो तो आप लोग इसके लिए एलिजिबल नहीं हो, इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हो। उसके साथ लैटरल एंट्री वाले इसके लिए कम्प्लीटली एलिजिबल है, इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बेसिक पे के साथ साथ आप लोग को जो भी अलाउंसेस वगैरह प्रोवाइड किया जाएगा उसका डिटेल्स यहीं पे मेंशन है, तो आप लोग आपके हिसाब से चेक कर सकते हो। इसमें आप लोग का जॉब लोकेशन ऑल ओवर इंडिया रहेगी। जनरल OBC और EWS कैंडिडेट्स के लिए यहीं पे अप्लाई करने के लिए 295 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ी रखा गया है। सिमिलरली SC ST PWD
और एक सर्विसमैन कैंडिडेट्स के लिए कोई भी एप्लीकेशन फ़ी नहीं है, कम्प्लीटली फ्री है उन लोगों के लिए। एप्लीकेशन फ़ी आप लोगों को ऑनलाइन सबमिट करना होगा। इसमें अप्लाई करने के लिए आप लोगों को इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसी वेबसाइट विजिट करके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके सबमिट करना होगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के टाइम आप लोगों को जो भी डॉक्यूमेंट्स का स्कैन कॉपीज अपलोड करना होगा उसका डिटेल्स यहीं पे मेंशन है, तो आप लोग आपके हिसाब से चेक कर सकते हो। सिलेक्शन प्रोसेस में आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस का जो भी मार्क्स है उसके बेसिस पे आप लोगों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। अगर आप लोग उसमें शॉर्टलिस्ट होते हो तो उसके बाद आप लोगों को कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। अगर आप लोग सीबीटी में क्वालिफाई करोगे तो उसके बाद आप लोगों का सिलेक्शन यहीं पे हो जाएगी। इसमें आप लोगों का जो सीबीटी होगा उसके लिए टेस्ट सेंटर टोटल 18 सिटीज़ में रहेगी। सिटीज़ का नेम यहीं पे मेंशन है, तो आप लोग आपके हिसाब से चेक कर सकते हो। एग्जामिनेशन पैटर्न की बात करें तो फ्रेंड्स यहीं पे टोटल 200 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेगी। 200 मार्क्स का एग्जाम होगा। इसमें नेगेटिव मार्किंग रखा गया है। अगर आप लोग एग्जाम देने के टाइम कोई भी आंसर्स गलत करते हो तो उस केस में 0.25 मार्क्स डिडक्ट हो जाएगी। टोटल पेपर को 3 सेक्शंस में डिवाइड किया गया है, जिसमें पार्ट वन में आप लोग जो भी डिसिप्लिन के लिए अप्लाई करोगे उसी पर्टिकुलर डिसिप्लिन में से 140 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेगी, जो कि टेक्निकल क्वेश्चंस रहेगी। 140 मार्क्स का एग्जाम होगा। पार्ट टू में जनरल अवेयरनेस में से 30 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेगी, 30 मार्क्स का एग्जाम होगा। और पार्ट थ्री में रीजनिंग में से 30 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेगी और 30 मार्क्स का एग्जाम होगा। टोटल एग्जामिनेशन के लिए 3 आवर्स का टाइम ड्यूरेशन रखा गया है और इसमें आप लोग का क्वेश्चन पेपर हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज पे रहेगी। उसके अलावा अगर आप लोग एससी एसटी ओबीसी पीडब्ल्यूडी एक्स सर्विसमैन या तो जम्मू कश्मीर के डोमिसाइल हो तो उन लोगों को एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स रिलैक्सेशन मिल जाएगी। अगर आप लोग का सिलेक्शन यहीं पे हो जाता है तो सिलेक्शन होने के बाद ज्वाइनिंग से पहले फर्स्ट आप लोग का प्री एम्प्लॉयमेंट मेडिकल टेस्ट होगा। उसके अलावा अगर आप लोग का कोई भी डाउट्स है तो क्वेश्चन है तो आप लोग इसी मेल आईडी पे कॉन्टैक्ट करके आप लोग का डाउट्स वगैरह क्लियर कर सकते हो। इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट होगा 9 जून 2023 से और इसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिशन के लिए लास्ट डेट आ गया है 30 जून 2023। तो फ्रेंड्स यही इसका डिटेल्स नोटिफिकेशन में आप लोगों को दिखाया था उसमें ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है। तो फ्रेंड्स यही इसका ऑफिशियल वेबसाइट और यही इस नोटिफिकेशन का डिटेल्स जो आप लोग देख पा रहे हो। तो फ्रेंड्स यही इसका कंप्लीट डिटेल्स नोटिफिकेशन। आई होप आप लोगों को हर एक इन्फॉर्मेशन समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट्स है क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हो। मैं इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन का पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा, आप लोग वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक और इसमें अप्लाई करने का लिंक आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगी। तो बस आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे एक नया जरूर के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।